करना है। तो ये तो 2018 का डाटा है। अगर हम 2019 का बात करें तो क्या रह सकता है? पेपर के अगर लेवल का देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 58 से 62 के अराउंड रह सकता है, ठीक है, 58 से 62 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें, या जिसे ईडब्ल्यूएस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, ओबीसी का जो कट ऑफ रह सकता है वो कितना रह सकता है भाई आपका? तो ये आपका यहाँ पे 56 से 60 के आसपास में रह सकता है, जिसमें कि आपको ईडब्ल्यूएस भी शामिल रहेंगे। एससी का क्या कट ऑफ रहेगा भाई? एससी का जो कट ऑफ रह सकता है हमारे अकॉर्डिंग वो 50 से लेकर आपका 54 के आसपास में रह सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ कितना रह सकता है भाई? यहाँ पे आपका 45 से 50 के आसपास में रह सकता है। तो ये 2019 का ये एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात की गई है। और ये 2018 का जो कि कट ऑफ था लास्ट ईयर का, यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन खुद भी कर सकते हैं, खुद भी समझदार है, अगर दिए पेपर तो आपको खुद भी लगता होगा भाई क्या कट ऑफ जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर का तो ये कट ऑफ था प्रीलिम्स का, और इस वर्ष का एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि इस तरह का कट ऑफ रह सकता है। खैर, पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के ओवर होने के बाद अब जो कि अब यहाँ पे आपका जो 13 तारीख 18 तारीख और 19 तारीख का पेपर होने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार फाइनल जो ओवर व्यू है, ठीक है, ओवर व्यू यहाँ पे हम लोग कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर फाइनल ओवर व्यू की बात करेंगे तो जो कट ऑफ मैंने बताई उसी के आसपास में रहने वाली है, चीज़ें बदलेगी नहीं। अगर आज के शिफ्ट में पेपर जिस तरह का है वो आने वाले शिफ्ट में भी पेपर इसी तरह के देखने को ही बनेंगे।